सीतामढ़ी में निर्दलीय उम्मीदवार के नामांकन दाखिल करने के दौरान हाई प्रोफाइल ड्रामा। निर्दलीय उम्मीदवार माधव चौधरी के नामांकन दाखिल करने के बाद पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ की और उनपे लगे आरोप की जमानत कॉपी मांगी। कॉपी नहीं प्रस्तुत करने पर प्रशासन और समर्थकों के बीच हुई कहासुनी। समर्थकों से हुई कहासुनी के बाद न्यायालय में प्रस्तुत किया, जहां न्यायालय में जमानत कागज दिखाए जाने के बाद उन्हें मुक्त किया, जिसके बाद इस प्रकरण को लेकर समर्थकों में काफी आक्रोश किया नारेबाजी। इस वायलेशन में ये इनको डिटेन करके रखे हुए हैं पूरे हिंदुस्तान में। कोर्ट में आप बताइए डिटेन नहीं तो और क्या है ये? किस तरह के मामले में आपको गिरफ्तार किया गया था, किस मामले में? ये आचार संहिता का मामला था जिसमें अरेस्टिंग की कोई बात ही नहीं है, उसके बावजूद इन्होंने घंटों डिटेन किया। या सत्ता पक्ष की साजिश है या विपक्षी साजिश है हम नहीं कहेंगे, हम तो जनता की तरफ से लड़ रहे हैं, लेकिन यह लोग हमको परेशान पर परेशान किए हुए हैं बिना मतलब का। हमारे ऊपर मामला दो केस दर्ज कर चुके हैं और आने वाले समय में ये लोग क्या करेंगे हमको कहना मुश्किल है। जबकि हम आज सालों से समाज में घूम के समाज को जगा रहे हैं और व्यवस्था परिवर्तन के लिए लड़ रहे हैं, चुनाव न कि सत्ता परिवर्तन के लिए, और यही चीज इन लोगों को अखरता है। अगर व्यवस्था बदल गई तो इनकी सत्ता हाथ से चली जाएगी, यही कारण है कि ये लोग हमको परेशान किए हुए हैं और हो सकता है आने वाले चुनाव में और ये हमको परेशान करे, यही हम कहना चाहते हैं। और न्यायालय में हमको भरपूर विश्वास है, आस्था है, न्यायालय सम्मानित जगह है, न्यायालय ने हमको न्याय दिया है हमेशा और आगे भी देगी।